बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त टॉप 10 पे जो है ये ट्रेंड वीडियो चल रही हैं, जो अदाकार हैं उन पे जो घर पे दावा बोला गया, अहम शख्सियात की तरफ से उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ किया गया। तो उन्होंने जो है डिफेंस में जो थाना है उस पर दरख्वास्त दे दी गई है, तो उनका कहना है कि पर्चा काटा जाए, लेकिन जो है उस पर अभी मीटिंग्स चल रही हैं। और उन्होंने दरख्वास्त में ये भी लिखा कि 50 लाख का जो है हमारा जो सामान उठा के भी ये साथ ले गए हैं। तो बहरहाल अभी देखें क्या बात इसमें सच है क्या झूठ है। कुछ वीडियो सामने आई जो सोशल मीडिया पे सारी दुनिया ने देखी, और अभी जैसे वक्त गुजरेगा साथ तो फिर ये पता चलेगा कि इसमें क्या गहराई है, जो इस वक्त पूरी दुनिया जो है, पूरा पाकिस्तान जो है इस पर हर वीडियो जो बना रहा है वायरल हो रही है। और इसमें हम जो शख्सियात हैं उनको इल्ज़ाम ये लगाया कि 50 लाख का सामान भी ले गए, मारा भी, और जो है हम पे बड़ा जुल्म किया। तो उनकी तरफ से ये कहना था कि जो अदाकार है उनका कहना था कि मैं तो तकाफ में बैठी हुई थी, तकाफ से जैसे ही फारिग हुई तो सामने जिससे मैंने, वो मुझे पहले भी ऑफ़र कराता रहा शादी की। बार इस तरह की बातें चलती रही हैं और पूरी दुनिया जो है इसमें ही लग गई है, पूरा पाकिस्तान। तो अभी इसी में लोग लगे हुए हैं, बाहर अपना अपना लोग काम करें। जो वाकया होना था तो अब देखें अब आगे क्या पुलिस इसमें इंक्वायरी करेगी तो क्या होगा, या सुलह होती है ये तो बाद का मसला। बारह लोग अपने अपने काम वगैरह करें और अल्लाह तौबा करें, नमाज़ वगैरह पढ़ें, ताकि जो है अल्लाह ताला ये कोरोना भी इस पूरे पाकिस्तान से वबा को ख़त्म करें, और जो है दुआ करें अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से वबा को ख़त्म करें, सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, इस तरफ भी लोग तवज्जो दें ताकि ये सारे मामला जो हैं बाकी भी साथ साथ ही हैं। बहरहाल ये कुछ अपडेट्स ही मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। अपना ख्याल रखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।